ये जो सीए है वो नागरिकता देने का प्रावधान है। बड़ा फैसला है कि जो जो भारत में जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक आए हैं, चाहे वो हिंदू हों, जैन हों, ईसाई हों, इन सबको नागरिकता मिलनी चाहिए। तो ये जाहिर सी बहुत बड़ा एक एजेंडा के तौर पर ये केंद्र सरकार का एजेंडा है, और सरकार चाहती है कि इनको क्यों वंचित रखा जाए उनके अधिकारों से, क्योंकि अगर उनको नागरिकता नहीं दी गई तो कहीं ना कहीं ये जो है शरणार्थी के तौर पर यहाँ रह रहे थे, जिससे उनको कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा था, उनको जो सरकारी योजनाएं हैं उन तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो उनको बहुत नुकसान हो रहा था। गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो भारत में आए हैं उनको नागरिकता, जो अल्पसंख्यक जिसमें हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हैं उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। और वाकई जिस जिक्र आप कर रही थी कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये एक मास्टर स्ट्रोक है, तो वाकई एक मास्टर स्ट्रोक है, और इसको इस तरीके से भी समझना होगा कि सरकार, लेकिन अनूप जी इस जो जिस बात का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी इन बातों का कई बार अपने संबोधन में जिक्र किया गया। अब देखिए, जानकारी पहले यह भी सामने आ रही थी कि इसको लेकर एक वेब पोर्टल भी बना दिया गया है सीए को लेकर, जिस पर नोटिफिकेशन जारी होगी, उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, जो सीए को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया, लॉ कमीशन से इस पर रिकमेंडेशन मांगा गया, इसके अलावा जो भी इनके स्टेक होल्डर हैं उनसे रिकमेंडेशन मांगा गया, और उसके बाद पुख्ता तौर पर जो सूत्र बता रहे हैं उनके पुख्ता तौर पर जो है वो एक नियम दिशा निर्देश जारी किया गया, बना लिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो कभी भी जारी कर दिया जाएगा। और सबसे प्रमुख बात जो अभी आपको मैं बता रहा था कि जब ये सरकार बनी थी, सबसे पहला डिसीजन हुआ था 370 खत्म करने का, और इससे बेहतर क्या होगा जब ये सरकार नोटिफिकेशन से पहले अगर सीए लागू हो जाता है, जो घोषणा पत्र में बीजेपी शामिल करती है अगर उन सभी चीज़ों को पूरा कर लेती है तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। और यही वजह है कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले इनके जो भी एजेंडे हैं, जो इन्होंने वायदे किए जनता से, जो चीज़ें इन्होंने रखी, वो सभी चीज़ों को सरकार जो है वो पूरा कर लेना चाहती है। फिर भी अभी इंतज़ार करना होगा। देखिए, सीए का नोटिफिकेशन जारी होगा, अब यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन बड़ा फैसला लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अनूप, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये कहा गया है कि सीए को लेकर के अधिसूचना जारी हो रही है और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी है, लेकिन प्रधानमंत्री जो बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, क्या वो पूरी तरह से सीए पर ही फोकस है या किसी और बात या और मुद्दे पर भी फोकस रह सकता है या किसी और विषय पर भी प्रधानमंत्री अपनी बात को रख सकते हैं? क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं इसको लेकर के, या सिर्फ सीए पर ही प्रधानमंत्री आज बड़ा ऐलान करेंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए अभी सिर्फ कयास लगाया जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी कोई घोषणा करते हैं या कोई देश की जनता को संबोधित करते हैं तो वाकई वो चौंकाने वाले और जनता के हित में वो फैसला होता है। तो ऐसे में अभी इंतज़ार करना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस बात को लेकर वो जनता के सामने आते हैं, किस बात का की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाती है। लेकिन इस बीच जिस तरह से खबर सीए को लेकर आई थी, उससे कहीं ना कहीं हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीए को लेकर के कहें, क्योंकि देखिए जो केंद्र सरकार के जो जितने एजेंडे थे जिस पर लगातार केंद्र सरकार काम कर रही थी, उसमें सीए एक ऐसा मुद्दा था जो अभी बच गया था, और ये कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन से पहले, कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले अगर ये भी पूरा हो जाता तो कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से सारे फैसले एक तरह से कह सकते हैं कि ले लिए गए। तो अब फिर भी इंतज़ार करना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई घोषणा करते हैं तो वाकई वो चौंकाने वाली घोषणा होती है। तो इंतज़ार करते हैं, हम सभी लोग इंतज़ार है, सबकी निगाहें होंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या देश के सामने लाते हैं। जी, क्योंकि जाहिर तौर पर अनूप, कुछ ही दिनों के बाद तारीखों का ऐलान होना है लोकसभा चुनाव की, और उसके बाद लोकसभा चुनाव का सियासी दंगल है। ऐसे में कोई भी बड़ा ऐलान आज प्रधानमंत्री के द्वारा जो अगर होता है, और जैसा कि बताया जा रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा मैसेज भी होगा।
नहीं बिल्कुल, बहुत बड़ा मैसेज होगा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कह चुके हैं कि इस बार बीजेपी 370 का आंकड़ा पार करना चाहती है, 370 से ज़्यादा सीटें जीतना चाहती है, और जो एनडीए घटक दल है वो 400 सीटें पार करना चाहती है। इसका अर्थ आप समझिए, इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो एक रोब में सीमित हो जाएगा। हाँ। एक 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा मेजोरिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लोकसभा चुनाव में वो चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिन जिन बातों को लेकर वो 2019 और 2014 में सरकार में जब वो आए थे, अगर वो सारी बातें अगर पूरा हो जाती है तो एक बड़ी उपलब्धि है और एक बड़ा कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक होगा कि सरकार ने जो वायदे किए जनता के सामने, वो जिन बातों को लेकर गए, वो सभी की सभी बातों को उन्होंने पूरा किया। तो अभी जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि संभावना है कि 15 तारीख से लेकर 17-18 तारीख तक कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी, तो वाकई अभी जो 5 से 7 दिनों का वक्त बचा है उसमें ही सरकार के पास समय है जब वो नीतिगत फैसला ले सकती है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि सरकार इस ये जो समय है, जो 5 से 7 दिनों का जो समय है, इसमें बड़े बड़े फैसले ले सकती है जो जनता के हित में हो। और जाहिर सी बात है समय बहुत कम बचा है सरकार के पास में, लेकिन जैसे सीए के तहत में कहा गया कि मुस्लिम धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों को नागरिकता दी जाएगी, अब ऐसे में उस वक्त हमने देखा कि कुछ विरोध भी देखा गया था। एक बड़ी खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से, रात 8 बजे सीए का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से एक खबर, आज जारी होगी सीए की अधिसूचना। तो थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। जैसे कि हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आज सीए का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। अनूप जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लगातार न्यूज रूम से। अनूप जी, थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन और उसके बाद में रात 8 बजे सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जैसे कि हम लगातार इलेक्शन की बात कर रहे हैं, सरकार ने जो वादे किए वो पूरे करके भी दिखाए, और अब समय काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है, तो सीए एक मुद्दा रह गया था जिसको लेकर लगातार एक्सटेंशन भी ले रही थी सरकार। अब वक्त आ चुका है, सीए लागू होगा, लेकिन शुरुआत में हमने देखा कि मुस्लिम समुदाय में कुछ नाराजगी भी देखी गई। तो क्या पूरी तरफ से ये जो माहौल रहने वाला इलेक्शन का, वो सरकार की साइड में रहेगा या फिर कुछ नाराजगी आने वाले दिनों में सरकार को लेकर देखी भी जा सकती है, इसका इलेक्शन पर कैसा असर होगा? ये जाहिर सी बात है, सरकार सभी बातों को जानती है, और जहां तक सीए का सवाल है, सीए लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सीए नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है। जहां तक अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान, अनूप जी रोकेंगे इस वक्त बातचीत करने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता आलोक अवस्थी जुड़ गए बातचीत करने के। आलोक जी, प्रधानमंत्री कुछ ही देर में बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, चर्चा है कि सीए पर प्रधानमंत्री बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आप प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, आपको क्या जानकारी मिल पाई है? अनुपम जी, प्रधानमंत्री जी हमेशा देश के हित के लिए और देश के कल्याण के लिए ही बात करते हैं, और वो क्या बात करने वाले हैं इसका कयास कोई भी नहीं लगा सकता है। आपने दो विषय अलग अलग लिए हैं, एक प्रधानमंत्री जी क्या कहने वाले हैं और सीए के बारे में आप दूसरी बात कह रहे हैं। सीए के बारे में हमें ये जरूर मालूम है कि सीए कानून बन चुका है और यह देश को में नागरिकता देने का कानून है, और इस पर माननीय गृह मंत्री जी का भी ये बयान आया है कि हम इसको लागू करेंगे, शीघ्र लागू करेंगे। तो जो कानून बन चुका है, जिसको देश की संसद, राज्यसभा और लोकसभा में पास कर चुकी है, और जिसको